कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्या सामना करना पड़ता है आप लोगों को? जाम लगती है एकदम, है वो तो प्रशासन को काम है अलग करवा, पूरे छतरपुर में जाम है, अतिक्रम आ रहा है, जाम है, फुटपाथ की कहीं व्यवस्था नहीं है, टैक्सी और टैक्सी कहीं भी रोक देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन की, प्रशासन क्योंकि टैक्सियों को ना कोई देखता ना कुछ, बीच रास्ते पर रोक के सवारी बैठाते हैं और अगर कोई पीछे से आता है तो वो ध्यान ही नहीं दिया जाता है। हाईवे पर अतिक्रमण के लिए क्या कहेंगे आप? हाईवे को चौड़ीकरण होना चाहिए और प्रशासन को भी जो टैक्सी वाहन निकालते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। निवेश तो ज़्यादा है, कभी तो ये ट्रैफिक बढ़ रहा है और इसको देखना चाहिए, पहले गवर्नमेंट को इसके लिए करना चाहिए। जहाँ जो टैक्सी खड़ी हो रहे तो हो रहे हैं, हाथी के बड़ी है करने से करने, कभी प्रशासन को हो दबाव हो दबा प्रशासन का नगर पालिका का ढीपुर का काम है भाई, समय समय पर उसका वो कार्रवाई होनी चाहिए, समय समय पर कार्रवाई होना चाहिए अतिक्रमण के लिए। तो आगे समाज पर बढ़ाए गए हैं। आज जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है शहर में, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल लाचार है। ट्रैफिक व्यवस्था गुब्बारा चौराहे पे, गांधी चौक बिहार पे आए दिन जाम लग रहा है, महलो चौराहे पे, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। पनवे में फोर वे गाड़ी आती है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। प्रेशर लोड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे टैक्सी वाले आए दिन परेशान कर रहे हैं, इससे जाम की स्थिति हो रही पैदा। हाईवे पे आप देखिए अतिक्रमण कितना है, लोगों ने छोटी छोटी गुमटियाँ लगाए रखी हैं, लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं और वाहन जो भारी वाहन है इसकी वजह से भारी दिक्कत हो रही है। आज नगर पालिका ने डिवाइडर रोड बना के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसकी सुरक्षा कुछ नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो ज़बरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हटाने के लिए पुलिस बल कोई उपयोग करना चाहिए। ये मेन मार्केट से और जो रोड पर जो दुकानें लगाते हैं, ठेले बाली लगाते हैं, उनको हटाना चाहिए। अतिक्रमण हटना, क्योंकि अगर हाईवे से अतिक्रमण नहीं हटेगा तो अपने जितने ट्रैफिक की व्यवस्था है सब गड़बड़ा जाएगी। उसके लिए अपन को कम से कम हाईवे से जो अतिक्रमण है लोगों का कब्जा किए हुए हैं, अवैध कब्जे को हटा के उसको पूरा क्लियर करके फिर ट्रैफिक व्यवस्था सॉल्व हो जाएगी। हाईवे से बसें निकलती हैं, ट्राला हो जाता है तो आज कोई बड़ा हादसा घट सकता है, इसलिए हाईवे से बाजार को हटना चाहिए।